देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश की वजह से अचानक नैनीताल जिले के हल्द्वानी की गोला नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद गोला नदी भारी उफान पर आ गई, जिसके चलते दो युवक गोला नदी में बीचों बीच फंस गए। बिहार के मोतिहारी का रहने वाला मजदूर राजेश यादव शौच व एक युवक टापू पर गया था। वो शौच कर ही रहा था कि अचानक गोला नदी में जलस्तर बढ़ गया। राजेश और उसका साथी इससे घबरा गए और बीच टापू पर जाकर सहारा लिया। सूचना मिलने के बाद प्रशासन, पुलिस, दमकल विभाग और SDRF की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू की कमान खुद SSP ने संभाली। गोला नदी किनारे अंधेरा होने के कारण ड्रैगन लाइट, सेफ्टी जैकेट, रोप और अन्य जरूरी सामान लेकर टीम श्रमिक रेस्क्यू कार्य में जुटी। भारी बारिश होने की वजह से रेस्क्यू कार्य में काफी दिक्कतें आईं, लेकिन फिर भी टीम ने रेस्क्यू कर दोनों श्रमिकों की जान बचाई। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से उस्मान अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। जो वहाँ पे एक श्रमिक था जो रह गया था, उसको आज हमारी SDRF की टीम ने काफ़ी मेहनत मशक्कत करके और नदी पार करके उसको निकाला है। अब वो सकुशल है और उसको हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, उसका मेडिकल करवा के और फिर जो भी उसका मेंटल ट्रॉमा है उसको ठीक करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें हमारी SDRF की टीम का और जो हमारी RI है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मजदूरी है, देखिए बारिश बहुत तेज है और दिन में बारिश नहीं थी, पहाड़ों में बहुत तेज बारिश की वजह से बीच में काफ़ी बड़ा टापू है जिसके ऊपर यहाँ श्रमिकों की बस्ती है, ये लोग आते हैं और काफ़ी अचानक पानी बढ़ने से वहाँ पे बीच में टापू बन गया और उसमें ये रह गया। सर किस तरह के निर्देश है जो नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको? देखिए जो नदी में अब चूंकि बारिश काफ़ी तेज है और भविष्य में इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखा जाएगा, इस तरह की कोई घटना ना होने पाए, क्योंकि अब लगातार पहाड़ों में बारिश चल रही है, कई दिनों दो दिन से बारिश लगातार हो रही है तो, और हमारा गोला बैराज का भी काम चल रहा है तो इसलिए श्रमिकों को या किसी भी व्यक्ति को अब नदी के किनारे आने से रोका जाएगा। सर टीम को कुछ रिवार्ड वार्ड भी देंगे? देखिए टीम को जो भी रेस्क्यू टीम है उसको 2500 का रिवार्ड कप्तान साहब की तरफ। एक राजेंद्र पुत्र राघवेंद्र मोतिहारी बिहार का लड़का था जो कि यहाँ खनन कार्य में संलिप्त रहता है। लकड़ी बीनने के चक्कर में गरोला में गया था, तेज प्रवाह आया, 7000 क्यूसेक से अधिक पानी आ रहा था, उसमें फंस गया टीले पर। सुरक्षित उसको SDRF के साथ हमारे स्वयं कप्तान साहब ने उतर करके नदी में उसको वापस ले आए हैं। कुल मिला करके पूरा रेस्क्यू जो है सुचार शांतिपूर्वक, सिंचाई विभाग के लोग भी यहाँ पर रहे हैं, एक्शन सिंचाई भी रहे हैं।